Good morning, students. Today we'll start our new chapter, that is Environment and Sustainable Development. Okay, there is a very basic chapter. Okay, it is all about environment and sustainability of the environment. Okay, so as we have already read about the chapter or the topic environment in our earlier classes, like in EVS. Okay, that's all about all the concepts are related with environment. Okay, and the basic concepts will be discussed here. Okay, so first of all we will discuss what exactly environment is, means the definition of environment. Okay, so environment is the sum total of the surroundings. Okay, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, sum total of the surroundings and the totality of the resources. Okay, environment हमें resources provide करता है, तो जो भी sum total of resources है, okay. चाहे वो बायोटिक है चाहे एबायोटिक है. ओके, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर? इट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड द टोटैलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ओके, दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. ओके, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और हमारी एग्जिस्टेंस को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं. ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारे एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करती होनी चाहिए. ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है? एनवायरमेंट. ओके, सो बेसिकली इट इज़ द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स, वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, कैसे भी हैं वो. ठीक है, एंड द टोटैलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज. क्लियर? चाहे वो रिन्यूएबल है चाहे नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, दैट अफेक्ट आर एग्जिस्टेंस, जो हमारी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर है, सॉयल है, ठीक है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एयर है, ये सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं. ओके, एयर अगर पॉल्यूटेड है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक पुअर होगी. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और हमें अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? एनवायरमेंट होंगी. ओके, तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, लाइक फिजिकल एंड लिविंग, लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है. ठीक है, लाइक फिजिकल एलिमेंट्स हैं लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन, एंड लिविंग एलिमेंट्स हैं जो बायोटिक हैं. ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स. ओके, ये सारी चीज़ें भी हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं, तो ये सारी जो बायोटिक चीज़ें हैं वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है. ओके, एनवायरमेंट के दो पार्ट हो गए, लाइक मींस एनवायरमेंट के पार्ट दो नहीं हो गए, यू कैन से एनवायरमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वन इज बायोटिक एलिमेंट एंड द अदर वन इज द कैटेगरी ऑफ एबायोटिक एलिमेंट्स. ओके, एक कैटेगरी है बायोटिक एलिमेंट्स की है और दूसरी एबायोटिक एलिमेंट्स की है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस और द फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट. अब ये काम क्या करता है, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंट की हमारी लाइफ के ऊपर. ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज आवर एग्जिस्टेंस. ओके, सो इसकी इंपॉर्टेंस obviously we have to discuss. So first of all, environment offers resources for production. Okay, जैसे कि हम economics पढ़ रहे हैं तो हम production से इसको relate करेंगे. जो भी resources हम production में use करते हैं, like natural resources की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो भी resources, natural resources हम production में use करते हैं, ठीक है, like agriculture की अगर बात की जाए तो almost सारे like mainly जो है हम natural resources के ऊपर ही depend करते हैं. ठीक है, लाइक सॉयल है, ठीक है, एंड वाटर है, ये सारे हमारे सनलाइट है, हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, इनके ऊपर हम ज़्यादातर डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर? सो एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स द फिजिकल रिसोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, टू परफॉर्म द प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओके, सो हम यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे, जो भी मिनरल्स हैं. ओके, सो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं. देन उनको डिवाइड कर दिया जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लाइक रिन्यूएबल सबको पता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड. ओके, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड. क्लियर? यू कैन से दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ और डिप्लीटेड आफ्टर अ सिंगल यूज. ओके, सिंगल यूज या यूज के बाद वो डिप्लीट नहीं हो जाते हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं. ठीक है, सो सच रिसोर्सेज आर नॉन एज और कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड In contrast, non-renewable resources are the resources which are not likely to be replenished, or they can be exhausted, or they can be depleted after use. Okay, use के बाद, एक बार use के बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, like अपने हमारे जो भी fossil fuels हैं वो सारे हमारे क्या हैं? Non-renewable resources हैं. Next one is environment sustains life. Okay, so environment sustains life.
अगर एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे लिविंग है, दैट मीन्स बायोटिक है चाहे एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में वो बायोटिक या फिर एबायोटिक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, ये हमारे क्या है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, ठीक है, वो उतने ही दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ के लिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स इफ देर इज एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स लाइक बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स, इफ देर इज एब्सेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स इन द एनवायरमेंट, द लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, लोग जल्दी मर जाएंगे, ठीक है, लाइक सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी वहाँ पे, यू कैन से लाइफ पॉसिबल नहीं है, इतना भी कह सकते हो। ओके, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। ओके, जो वेस्ट हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के थ्रू जनरेट करते हैं, ओके, मेनली वेस्ट जो है दो जो प्रोसेसेस हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उनके थ्रू ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। जो प्रोडक्शन किया तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल गया, समटाइम्स वो वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, वेस्ट के रूप में है वो बाय प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर हम जो कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है, जो हमारे यूज़ का नहीं है, आफ्टर कंजम्पशन जो बच गया, ठीक है, तो वो भी हमारा वेस्ट है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ वेस्ट आर बींग एब्जॉर्ब बाय द एनवायरमेंट, वो वेस्ट जो है एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर एनवायरमेंट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया है, वो भी तो वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में लाइक एक प्रोसेस चल रही है, ठीक, लाइफ साइकिल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, क्लियर। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे वेस्ट को, ठीक है, जो भी वेस्ट लाइक जनरेट हुआ या फिर डंप किया गया, उस वेस्ट को क्या कर देते हैं, ठीक, कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी उसी तरीके से कन्वर्ट हुए हैं, क्लियर। तो एनवायरमेंट क्या करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये सारी प्रोसेसेस एनवायरमेंट में नहीं होती तो एक टाइम आता कि जो वेस्ट जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या इतना ज़्यादा इंक्रीज या फिर इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, ठीक है, कि रहने लायक नहीं बचती है जगह, ठीक है। तो वेस्ट को एब्जॉर्ब भी करता है टाइम टू टाइम, एब्जॉर्ब करता रहता है एनवायरमेंट, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ की। एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, एनवायरमेंट में जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वही शुरू से लेकर लास्ट तक हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो जितने बेटर क्वालिटी के एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स हैं, रिसोर्सेज यू कैन से, जितने बेटर क्वालिटी के रिसोर्सेज एनवायरमेंट में अवेलेबल होंगे, उतना ही इम्प्रूव या बेटर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। ओके, सो इफ देर आर गुड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, द बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, क्लियर, और इम्प्रूव विल बी द और हाई विल बी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, एयर प्योर है, ठीक है, लाइक कंटामिनेटेड नहीं है वाटर, ठीक है, पॉल्यूटेड नहीं है एयर, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम डिजीज फ्री लाइफ जी पाएंगे। ओके, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर है, पॉल्यूटेड एयर है, तो डिजीजेज अराइज हो जाएंगी, जिससे हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकती है। ओके, सो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट क्राइसिस। ओके, सो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? सो कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज एक्सप्लोइटेशन एंड अदर वन इज रीजनरेशन। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड द स्पीड ऑफ रीजनरेशन। ओके, सो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स द एक्सप्लोइटेशन स्पीड और द पेस ऑफ एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड और शुड नॉट बी मोर देन द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम रिसोर्सेज को उनकी जनरेशन कैपेसिटी या रीजनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज कुछ बचे रह जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होंगे, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ओके, दैट मीन्स द एक्सप्लोटेशन कैपेसिटी शुड नॉट बी मोर देन द रीजनरेशन कैपेसिटी, क्लियर, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स एनवायरमेंट कुछ रिसोर्सेज कैरी कर रहा है, ठीक है, बच जाएंगे, अगर एक्सप्लोटेशन कम होगा और रीजनरेशन तेजी से हो रहा होगा तो रिसोर्सेज हमेशा एनवायरमेंट में प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स एनवायरमेंट रिसोर्सेज कैरी कर रहा है। ओके, द एनवायरमेंट, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट क्राइसिस। एनवायरमेंट क्राइसिस कब अकर होते हैं? जब ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स द एक्सप्लोटेशन, द रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन इंक्रीजेज और एक्सीड्स टू रीजनरेशन कैपेसिटी। ओके, दैट मीन्स हम ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, यू कैन से एनवायरमेंट क्राइसिस अराइजेज विद द ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आई रिपीट द एनवायरमेंट क्राइसिस अकर व्हेन
द रिसोर्सेज आर बीइंग ओवरयूज्ड, ठीक है, ओवरयूज हो रहे, दैट मीन्स एक्सप्लोटेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है देन देयर रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, यूज ज़्यादा हो रहे हैं, रीजनरेटिव स्पीड से हो नहीं रहे हैं, ठीक है, दैट इज एनवायरमेंट क्राइसिस, ठीक है, प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे उस केस में. नेक्स्ट वन इज द बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. वन इज प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर वन इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स ओवर यूसेज की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, एक तो एनवायरमेंट को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, दूसरा एनवायरमेंट जो है मीन्स जो रिसोर्सेज हैं एनवायरमेंट के, ठीक है, उनको हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज कर रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज पॉल्यूशन, वेरी कॉमन टर्म, मीन्स वेन आर एक्टिविटीज, जब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन की है चाहे वो कंजम्पशन की है, ठीक है, जब वो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज की प्योरिटी को चैलेंज करती हैं, ठीक है, या फिर वो एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्योरिटी को चेंज कर देती है, ठीक है, अफेक्ट करती है, यू कैन से चेंज तो नहीं, अफेक्ट करती है या फिर चैलेंज करती है, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू पॉल्यूट और आर एक्टिविटीज आर सच दैट वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. ओके, सो पॉल्यूशन रेफर्स तो दोज एक्टिविटीज, बेसिक कॉमन सा मीनिंग है, डेफिनेशन है, पॉल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज, ऐसी कुछ एक्टिविटीज कौन सी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की, विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट. ओके, वो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज की प्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वहाँ पे एयर वाटर अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली से द एक्टिविटीज विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट की प्योरिटी को चैलेंज करती हैं वो एक्टिविटीज, ठीक है, दीज एक्टिविटीज, दैट मीन्स दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली कंसर्न विद द पॉल्यूशन. ओके, सो दीज एक्टिविटीज आर पॉल्यूटेंट एक्टिविटीज, सो पॉल्यूशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली चैलेंजिंग द प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज पॉल्यूशन. ओके, क्लियर, द पॉल्यूशन रेफर्स, पॉल्यूशन क्या है, द एक्टिविटीज विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट. ओके, क्लियर, नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, वन इज एयर पॉल्यूशन, सेकेंड वन इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इज नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में. ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, बेसिकली जब एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्वान्टिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या फिर जो एयर में जो असेंशियल एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कम हो जाए, उसका कंटेंट या उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तब भी एयर पॉल्यूशन होगा. ठीक है, क्लियर, सो व्हेन द कंटेंट ऑफ अननेसेसरी गैसेस और द क्वांटिटी ऑफ अननेसेसरी गैसेस टेंड टू राइज इन द एयर, दैट इज नॉन एज एयर पॉल्यूशन, और द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टेंड टू डिक्रीज, या तो जो अननेसेसरी जो गैसेज हैं, ठीक है, उनका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, या फिर जो नेसेसरी गैस है ऑक्सीजन, उसका क्वांटिटी या लेवल डिक्रीज हो रहा हो, दोनों ही एयर पॉल्यूशन होंगे. ठीक है, क्लियर, सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, द प्रोसेस विच इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एयर, विच इंक्रीजेज द लेवल और द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एयर इज नोन एज दैट प्रोसेस ऑफ दैट एक्टिविटी इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. ओके, नाउ अब होता कैसे एयर पॉल्यूशन, सब सिंपली हमें पता है, सिंपली, वेरी सिंपली हम अगर बोलें तो पॉल्यूशन कैसे है, लाइक जो स्मोक है, ठीक है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो स्मोक उनसे निकल रहा है, ठीक है, तो स्मोक से लाइक पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, पॉइजनस गैसेस जो इंडस्ट्रीज एमिट कर रही हैं, ठीक है, उनकी वजह से लाइक प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट अदर जो इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्शन में इंगेज हैं, वो भी कुछ पॉइजनस गैसेस जो है एमिट कर रही हैं एनवायरमेंट में, तो वो भी एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है. ठीक है, नेक्स्ट जो मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो जो स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सो द स्मोक एमिटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर व्हीकल्स ऑन द रोड, ओके, दैट इज ऑल्सो causing the air pollution. Okay, so these are the causes of air pollution. Clear, different various like pollutants हम air में जो है increase कर रहे हैं. Clear, so what is air pollution, sorry, what causes air pollution, जो harmful gases, ठीक है, बहुत बताया कि जब what causes air pollution means जब harmful gases का quantity increase है, level increase हो जाता है. ठीक है, for example like poisonous gases like ozone है, ठीक है,
ओके, और लाइक द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मटेरियल्स के, ठीक है, लाइक इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स हैं, जो कटिंग मशीन्स हैं, जो मेटल या अलॉय को कट करती हैं, ठीक है, तो जब अलॉय या मेटल कट किया जाता है, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, यू कैन से नैनो नैनो पार्टिकल्स जो है एयर में जो है मिक्स हो जाते हैं, तो वो नैनो पार्टिकल्स जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस या लंग डिजीजेस लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सांस के साथ या हवा के साथ वो जो है बॉडी में एंटर हो जाते हैं, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्लास कटिंग इंडस्ट्रीज हैं, डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो पॉइजनस, सॉरी, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी कटिंग इंडस्ट्रीज मेनली लाइक मेटल्स हैं या सॉलिड कटिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं लाइक वुडन कटिंग इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स चलती है, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, वो रेस्पिरेशन के साथ बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एयर पॉल्यूशन का रीजन है, ठीक है। लाइक पॉइजनस गैसेज जब मिक्स हो जाती हैं, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, ओके, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, दीज आर द टू causes, mixture of the जो pollutants जिनको हमने नाम दिया, ठीक है, the level of pollutants, the increment in the level of pollutants in the air is known as air pollution. And what are these pollutants? These pollutants are the poisonous gases and the suspended particles of materials. Okay, जब इनका नंबर या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है एयर में, तब हम मानेंगे कि क्या हुआ है, एयर पॉल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर बीइंग द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ जस्ट एज एयर, ओके, बट द सीरियस प्रॉब्लम नाउअडेज वी आर फेसिंग दैट द वाटर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, दैट मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ओके, दैट कॉजेज वेरियस लाइक फैटल डैमेजेस टू लाइफ, ओके, दीज आर द डेडली डिजीजेज विच आर बींग कॉज्ड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर, लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस, ओके, दीज आर the serious threats to life which various people like in the areas which are less developed, okay, for example the slum areas where the pure drinking water facilities, pure drinking water supply is not available, okay, so these people are compelled to consume the contaminated water, okay, वो जो contaminated water है, जो दूषित जल जो consume कर रहे हैं, that means contaminated means उसमें कुछ like अनहाइजीनिक जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, या तो उनका लेवल इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और या फिर जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, ठीक है, वो कम हो गए हैं, ओके, सो दिस इज लाइक वाटर पॉल्यूशन, ओके, मीन्स राइजिंग और इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ हार्मफुल मिनरल्स इन द वाटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर पॉल्यूशन, एंड रिडक्शन इन दैट नेसेसरी मिनरल्स ऑफ इन द वॉटर, ओके, जो लाइफ के लिए नेसेसरी मिनरल्स हैं उनका लेवल इंक्रीज, सॉरी, कम हो गया हो, या फिर जो हार्मफुल मिनरल्स हैं, ठीक है, उनका लेवल इंक्रीज हो गया हो वाटर में, दैट इज नॉन एज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम फिजिकल सब्सटांसेस विच आर अननेसेसरी, ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ सच सब्सटांसेस, सच फिजिकल सब्सटांसेस ऑल्सो रिजल्ट इन टू वाटर पॉल्यूशन, लाइक गार्बेज है, ठीक है, लाइक पॉली बैग्स एंड सम अदर जो गार्बेज है, ठीक है, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन है। हाउ दिस इज हैपन और हाउ इज इट हैपनिंग नाउ इट इज वेरी क्रूशली, वाटर बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लाइफ, ऑल्सो वी नो दैट the fact is that we know it is very important for life, but still we are overusing it. Apart from that, apart from overusing it, we are using it in such a manner that we are not like we are not aware that we are directly or indirectly contaminating the source of the water which we are consuming or getting, okay, मतलब जब हमें पता है कि इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइफ के लिए, ठीक है, फिर भी हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सोर्सेज को कंटामिनेट कर रहे हैं जिन सोर्सेज से हम खुद वाटर लाइक एग्जर्ट या फिर लाइक यू कैन से निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर वी आर यूजिंग, क्लियर, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, वी कैन से इन रूरल एरियाज लाइक ट्यूबवेल्स एंड वेल्स, ओपन वेल्स, ओके, इन सम एरियाज वेयर द वाटर लाइक ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल, सो द गवर्नमेंट हैज मेड सम प्रोविजन लाइक डिगिंग अप कैनल्स, ओके, सो कैनल्स आर ऑल्सो
used in some areas where the like the shortage of water is there. Okay, so canals are also used for drinking purpose also. Drinking water is being supplied by the canals. Okay, उन canals के through जो है water supply किया जा रहा है, water को filter करके जो है लोगों को घरों तक supply किया जा रहा है, and people are consuming that water for drinking purpose. Okay, but directly or indirectly, like in villages or in rural areas, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वाटर सप्लाई लाइक जिन एरियाज में शॉर्टेज है वाटर की, तो कैनाल्स के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है. बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही लोग उन कैनाल के जो वाटर है, ठीक है, उसको कंटामिनेट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो उनमें छोड़ दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो रूरल एरियाज में समटाइम्स कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कैनाल्स हैं उनके आसपास जो है लोग लाइक कपड़े धो रहे होते हैं. ठीक है, लाइक पीपल आर टेकिंग बाथ इन दीज कैनाल्स और स्मॉल कैनाल्स यू कैन से और स्ट्रीम्स. ओके, सो इनसॉल्युबल लाइक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स आर बीइंग रिलीज्ड इन दैट वाटर. ओके, एंड समटाइम्स कुछ ऐसा भी होता है कि वो वाटर की प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देते हैं, वो हार्ड वाटर बन जाता है. ठीक है, उसको फिर फिल्टर या प्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और वही वाटर जो है लोग घरों में कंज्यूम करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल. तो मतलब हम ही यूज़ कर रहे हैं और जाने अनजाने में हम ही उसको पॉल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है, वो भी रिलीज किए जाते हैं उन स्ट्रीम्स में, ठीक है, नदियों में या नालों में, जिससे कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है. ठीक है, केमिकल या टॉक्सिक केमिकल्स हैं इंडस्ट्रीज जो है वो भी रिलीज करती हैं. ओके, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक वेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विच आर बींग रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज और वेरियस इंडस्ट्रीज इन टू द स्ट्रीम्स. ओके, सो उन स्ट्रीम्स या रिवर्स के पानी को जो है वाटर को है कंटेमिनेट कर देता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो डोमेस्टिक सीवरेज है जो कि लाइक अल्टीमेटली स्ट्रीम्स में या रिवर्स में ही फ्लो करा दिया जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ग्राउंड वाटर लेवल भी जो है कंटेमिनेट हो रहा है, बिकॉज द फार्मर्स आर एक्सेसिवली यूजिंग द एच वाई वी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो एच वाई वी सीड्स हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो केमिकल जो है सॉइल एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, नीचे. ठीक है, ग्राउंड वाटर में वो मिक्स हो जाता है. तो अननेसेसरी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एड ऑन हो जाते हैं. ठीक है, मिक्स हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में भी, और वो कंटेमिनेट कर देते हैं उसको. इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन जो है अराइज हो रहा है. ठीक है, डोमेस्टिक सीवरेज की वजह से टॉक्सिक केमिकल जो वेस्ट रिलीज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज, उनकी वजह से. ठीक है, फार्म एक्टिविटीज़ की वजह से लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो ग्राउंड वाटर लेवल को या ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, so these are the causes of water pollution. Next one is noise pollution. Okay, noise pollution like the एक बेरेबल लेवल से ज़्यादा नॉइज़ जो है हमें इरिटेट कर देती है. ठीक है, सो दैट इज़ नॉन एज नॉइज़ पॉल्यूशन. ओके, हमारे जो लाइक यू कैन से इरिटेशन क्रिएट कर सकती है, या फिर हमारी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी जो है उसको अफेक्ट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एक सर्टेन लेवल के, या बियॉन्ड दैट बेरेबल लेवल अगर साउंड जो है क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये क्रिएट कैसे हुआ? ओवर द ईयर्स जो मैकेनाइजेशन आया, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज कर रहे हैं, सो दिस मैकेनाइजेशन हैज रेज्ड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और हैज़ इम्प्रूव्ड द प्रोडक्टिविटी. ओके, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज किया है, लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज किया है. ठीक है, बट इक्वली इन्होंने नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा जो लाइक इरिटेटिंग सी नॉइज ये क्रिएट करती हैं, जिस वजह से लोगों के ऊपर लाइक बैड इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, उनकी जो ऑडिबल यू कैन से जो हियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उनकी जो ऑडिबल कैपेसिटी है वो कम हो सकती है. ठीक है, सम पीपल में गेट अफेक्टेड बाय लाइक मेंटल डिजीजेज, मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, लाइक एंग्जाइटी क्रिएट, एंग्जाइटी अराइज हो सकती है लोगों में. ठीक है, अगर वो लाइक कॉन्स्टेंटली या कॉन्टीन्यूसली उस तरह की अनबेरेबल या हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज के कॉन्टेक्ट में अगर आते हैं, ठीक है, तो लोगों की कैपेसिटी जो हियरिंग कैपेसिटी है और लोगों में जो अदर जो अलग जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं, लाइक एंग्जाइटी. ठीक है, तो इस तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है लोगों में, और एक
प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मैकेनाइजेशन, इंक्रीज यूज ऑफ मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मोटर व्हीकल्स विच आर प्लाइंग ऑन द रोड्स, ठीक है, उनके जो हॉर्न्स हैं, ठीक है, लाउड हॉर्न्स हैं, उनकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है. सो वी कैन से, सो जो एक बियॉन्ड बेयरेबल लेवल जो साउंड है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन नॉट से दैट ऑल काइंड ऑफ साउंड और ऑल साउंड्स हैव बैड इफेक्ट्स. ओके, लाइक बर्ड, इफ बर्ड्स आर चर्पिंग, ठीक है, वो कोई लाइक हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रही है, ठीक है, या हार्म कॉज नहीं कर रही है ह्यूमन बॉडी को या लाइफ को, ठीक है. तो सारी साउंड्स जो हैं, सारी तरह की साउंड्स जो हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और बगल लाइक चर्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, चहचहा रहे हैं, तो वो हमारा नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है. सो दैट इज अ सूदिंग साउंड. ओके, वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो लोगों में नेगेटिव इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है. सो आफ्टर पॉल्यूशन, द सेकेंड प्रॉब्लम इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो नाउ डेज, वेरी सिंपल इट इज, नाउ डेज ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो नाउ डेज ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज ओवर यूसेज. ओके, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज. सो नाउ डेज ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी आर ओवर यूजिंग आवर रिसोर्सेज. ओके, दिस कॉन्सेप्ट हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन 10th क्लास इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, डेवलपमेंट जो हम पढ़ते थे, ठीक है, 10th क्लास में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. और अगर इसी स्पीड से, इसी रेट से हम यूज़ करते रहे, ठीक है, इफ़ वी आर कंटिन्यूसली, इफ वी आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग, और इफ वी कॉन्टिन्यू टू यूज रिसोर्सेज विद द सेम स्पीड, तो इन फ्यूचर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड. ओके, हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे. ओके, अब फ्यूचर जनरेशन विल लेफ्ट और विल बी बेयर हैंडेड, ठीक है, वो खाली हाथ रह जाएगी, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं बचेंगे, ठीक है. तो उन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को हमें रैशनली यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो डेवलपमेंट में हर्डल क्रिएट कर सकता है. ओके, सो बेसिकली हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी आर डूइंग दिस. ओके, लाइक वी आर सेइंग दैट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, वी आर यूजिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज. ओके, सो जैसे जैसे हम लाइक अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, वैसे वैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन भी इंक्रीज होगा. एंड जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज एंड मोर यूज ऑफ रिसोर्सेज डेप्रिशिएट दैम. ओके, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो उनका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उनकी वैल्यू, उनकी एफिशिएंसी जो है, कैपेसिटी जो है, कम हो जाएगी. ओके, सो जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी को तो हम रिकवर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, ठीक है, तो हम नया खरीद सकते हैं उन रिसोर्सेज को, उनको लाइक रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके लिए या उनकी डिप्लीशन जब हो रही है तो उनके लिए कोई प्रोविजन हम नहीं बना रहे हैं. और यू कैन से वी कैन नॉट रिस्टोर. ओके, सम रिसोर्सेज आर देयर इन द नेचर विच कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, ठीक है, जिनको वापस से रिस्टोर नहीं किया जा सकता है. या यू कैन से द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द नेचर कैन नॉट बी ईजीली और कन्वीनियंटली और क्विकली रिस्टोर्ड, बी रिस्टोर्ड. ओके, वो क्विकली, कन्वीनियंटली या ईजिली रिस्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमें उनको रैशनली या सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लाइक एक्सेसिव यूज, फॉर एग्जाम्पल डिफोरेस्टेशन. ओके, डिफोरेस्टेशन मीन्स लाइक कटिंग ऑफ ट्री फॉर आर ऑन बेनिफिट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, अपने यूज के लिए हम ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, दैट इज कटिंग ऑफ ट्रीज. ओके, और ऐसा हो क्यों रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, और रैपिड राइज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिस वजह से लोगों की डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज, डिमांड फॉर वुड फॉर फ्यूल्स, ठीक है, यूज ऑफ वुड फॉर फ्यूल्स, द डिमांड फॉर यूज ऑफ वुड फॉर फ्यूल्स हैज़ बीन इंक्रीज. सो राइज इन पॉपुलेशन ऑल्सो कॉज डिफोरेस्टेशन, बिकॉज राइज इन पॉपुलेशन हुआ तो डिमांड फॉर रेजिडेंशियल एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, जो रेजिडेंशियल एरिया सोसाइटीज डेवलप की गई तो लाइक पेड़ों को काटा गया, ठीक है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग जो है इस्टेब्लिश की गई. सो ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज एज वेल एज द डिमांड फॉर वुड्स एज फ्यूअल हैज बीन इंक्रीज, एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड कटिंग
ट्रीज, ठीक है, लोगों ने जो है फॉरेस्ट को रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉपुलेशन एक कॉज था, सेकेंड वन द हंगर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, द डर्थ ऑफ रैपिड री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से भी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किए गए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। सो टू सेटअप दीज इंडस्ट्रियल जोन द गवर्नमेंट हैड टू क्लियर ऑफ द एरियाज, ठीक है, तो बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको काटा गया। एंड सम इंडस्ट्रीज आर देयर विच आर यूजिंग द रॉ मटेरियल विच इज बींग प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, और द ट्रीज इट सेल्फ आर द रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल द पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि ट्रीज के ऊपर डिपेंड है, तो पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर की डिमांड इंक्रीज होगी तो डिफोरेस्टेशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से भी जो डिफोरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े डैम्स इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा एरिया जो है क्लियर ऑफ किया गया। सो वॉट आर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, राइजिंग पॉपुलेशन जिसकी वजह से डिमांड फॉर रेजिडेंशियल एरिया एंड जो वुड की डिमांड थी फ्यूल के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज हुई, तो राइजिंग पॉपुलेशन उसके अंदर हम लिखेंगे रेजिडेंशियल एरियाज की नीड इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन बढ़ी। तो सेकेंड वन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो लाइक रैपिड डेवलपमेंट जो था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेटअप इंक्रीज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ, तो इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करने के लिए हमने डिफोरेस्टेशन किया। एंड द थर्ड वन इज मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जिनकी वजह से हमें एरिया क्लियर आउट करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स लाइक मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट एफॉरेस्टेशन, ओके, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन आर ऑपोजिट, डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज एंड एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सेविंग ट्रीज फ्रॉम बींग कट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, ओके, दैट इज, और यू कैन से सेविंग द फॉरेस्ट कवर्स और एरियाज, दैट इज ऑल्सो एफॉरेस्टेशन, ओके। सो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मेकिंग द पीपल अवेयर अबाउट एफॉरेस्टेशन, ओके, लोगों को अवेयर करना, कन्विंस करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को कटने से बचाया जाए, ओके। सो दिस इज सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, वट डज इट मीन? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब है क्वालिटी ऑफ लैंड का कम हो जाना, ओके, रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड मीन्स जो सॉइल की या लैंड की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाना, ओके। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ओके, और द लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, ओके, विच इज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वन इज सॉइल इरोशन, ओके, सॉइल इरोशन जो है विंड या फ्लड्स की वजह से कॉज होती है, लाइक बहुत तेज हवा चलती है तो जो सॉइल की अप या फिर जो सॉइल की अपर लेयर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, इसी तरीके से फ्लड्स की वजह से वो बह के चली जाती है, ओके। सो सॉइल इरोजन मीन्स जो अपर लेयर है, ठीक है, लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच हैपन्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एज वेल एज फ्लड, ठीक है, विंड के साथ वो ब्लो हो जाती है एंड फ्लड्स के साथ वो फ्लो हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एल्कैलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉयल, ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से, ठीक है, उस एरिया उस लैंड की जो सॉयल है वो एल्कैलिन हो जाती है, ठीक है, सैलिनिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अपर लेयर जो है वो अपने लाइक ये क्या होता है एल्कैलिनिटी और सॉइल सैलिनिटी मीन्स जो अपर लेयर है वो अपने मिनरल्स जो है वो लूज कर जाती है, सॉइल की जो अपर लेयर है, ठीक है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रोजन वगैरह जो मिनरल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, वो पोटेशियम नाइट्रोजन मिनरल्स जो है लूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, अगर पानी एक जगह भरा हो, वाटर लॉगिंग की वजह से अल्कैलिनिटी और सैलिनिटी हो जाता है, भरा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यू कैन से काफ़ी टाइम से भरा है तो वहाँ पे काई लग जाती है, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है जो मीन्स ऊपर वाला जो लेयर है सॉइल का, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो यू कैन से कि उसकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई क्योंकि उसने अपने अपर लेयर में से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो लूज कर दिए, ओके। सो दिस इज हाउ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हैपन्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है या फिर यू कैन से एग्रीकल्चरल आउटपुट भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।